मोहब्बत से नवाजा है। जहाँ तक ये चुनाव था हमारा भारतीय जनता पार्टी से था और हम मानते हैं कि अगले 2019 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। लेकिन एक बीजेपी को हराने के लिए चार पार्टियां इकट्ठी आ गई, फिर भी मार्जिन बहुत नहीं रहा, 6,500 के मार्जिन से आप जीते हैं। हम सरकार से चुनाव लड़े हैं, जिस तरीके से सरकार की मशीनरी ने काम किया। ईवीएम की इतनी शिकायत है, जहां हमारा मतदाता था वोट नहीं कर पाया, हमारी परसेंटेज नहीं बढ़ रही, मार्जिन 25-30,000 क्योंकि वो आप बूथ वाइज देख सकते हैं जिस तरीके की शिकायत मिली, जिस तरीके हम लोगों को जाना पड़ा, 2-2 घंटे मतदाता ने इंतजार किया, लगातार रमजान का महीना था, रोजे भी थे, मुस्लिम मतदाता कम निकल पाया, मैं इसको कहता हूँ लेकिन मैंने जीत। तो ईद का तोहफा पहले ही मिल गया, पार्टी सभी को ईद की मुबारकबाद, दीपावली की भी, सबको इस शिरे में हिंदू मुस्लिम भाई सब लोगों ने मिलकर के जीत को लड़ने का काम। नहीं भाई, आखिरी सवाल ये बताइए कि 2019 को अब आप कैसे देखते हैं, क्या 2019 में भी इसी तरीके से महागठबंधन को एकजुट होकर लड़ना चाहिए अगर बीजेपी को हराना है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, जो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला। आपको क्या लगता है चुनाव आप लड़के जीते हैं, आपको क्या लगता है? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, मॉडल होना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से पूरा उत्तर प्रदेश जनता परेशान है और ये रिजल्ट उत्तर प्रदेश की जनता अगले आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी